खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में जिले में बच्चों को ले जाया गया था, वहीं बड़वानी निवासी सतीश गोले ने जिला खेल अधिकारी और कर्मचारियों पर बच्चों के चयन को गलत तरीके से किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जिले से बच्चों को बॉर्डर पर माँ तुझे सलाम योजना के अंतर्गत ले जाया जाता है। वहीं हाल ही में जिले से बच्चों के चयन में गड़बड़ी किए जाने का आरोप बड़वानी के युवक सतीश गोले द्वारा किया गया है। सतीश ने बताया कि पिछली बार जिस बच्चे को ले जाया गया था उसे इस बार भी ले जाया गया, वहीं एक अन्य बच्चे के नाम पर दूसरे को ले जाने का आरोप भी लगाया। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग की गड़बड़ी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर कार्यालय में भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में यहाँ से युवा खेल विभाग की तरफ से बच्चों को माँ तुझे प्रणाम में ले जाया गया, जहाँ पे चयन करने में अधिकारी कर्मचारियों ने खेल विभाग के हाथ करके त्रुटि करी है, जिसके चलते जो बच्चों का होना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो बच्चे पिछले गत वर्ष में गए हुए हैं उनको ये बार और ले जाया गया है और जिसके कारण दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। हाल ही में एक और अधिकारियों द्वारा त्रुटि करी गई है कि जो बच्चे का नाम आया है उसको नहीं लेके गए हैं और उसकी जगह पर दूसरे बच्चों को लेके गए हुए हैं। शिकायत करी आपने? हाँ, मैंने शिकायत करी है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, 22 तारीख को दिया था, 19 तारीख को मैं गया था और 22 तारीख की प्राप्ति है मेरे पास में, और सीएम हेल्पलाइन पर भी डाला था, उन्होंने भी बोला है कि हाँ मैं करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई है इस पर। ये क्या योजना अंतर्गत बच्चे जाके आ गए वापस? हाँ, योजना अंतर्गत कल या परसों में बच्चे वापस आ गए हैं और अधिकारी वहां ध्यान नहीं दे रहे। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।